मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशेंटगोई की गई है, कल शाम से यहाँ पर पहली बर्फबारी जो है वो शुरू होगी, जबकि कहीं एक इलाकों में, कहीं एक अजला में पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे, फॉर फ्लंगड एरिया है और बहुत ही नज़दीकी एरिया माना जाता है बॉर्डर के, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन यहाँ पर अभी हम SMC में खड़े हैं, जबकि SMC की तरफ से भी अभी तैयारियाँ पूरी तरह से मुकम्मल की गई है। जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो SMC की, मैं अपने साथी को बताना चाहूँगा वो इन मशीनों की तरफ से भी थोड़ा सा रुख करे, यहाँ पर SMC की तरफ से भी पूरी तरह से यहाँ पर जो स्नोफॉल अभी कल से प्रिडिक्ट किया गया है उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जारी है। यहाँ पर जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है जो बर्फबारी यहाँ पर सड़कों से साफ करेगी वो आपको हम दिखा रहे हैं, अभी वो SMC में बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। जब मैंने कल मीटिंग चेयर की है, हमने हर इलेक्टोरल 74 वार्ड श्रीनगर में, हमने हर वार्ड में एक मशीन पहली बार रखी है। 10 टन रोड सॉल्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वार्ड्स पे, हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है और हमने एक टीम बनाई है जो वेदर फोरकास्ट पे नजर रखेगी। पहले बताया गया था कि जुमा और उसके बाद के दो दिन शायद फोरकास्ट रहे, लेकिन अब इतवार का फोरकास्ट है तो हम उस पर नजर रखे हुए हैं और इतवार से पहले एक दिन कबल हर एक वार्ड में मशीन पहुंचेगी, सॉल्ट पहुंचाया गया है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और हमारे पास बहुत डेफिशिएंट है, हमारे पास लगभग 6000 होना चाहिए मैन पावर, पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 2500 है, सो हाफ हमारा मैन पावर 200% डेफिशिएंसी है। बट जितना मैन पावर हमारा है वो ऑन ग्राउंड होगा और जितना भी हम अपने वसाइल को, अपनी कुवत को इस्तेमाल कर सके उतना बिल्कुल दिन रात करेंगे। जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मेयर साहब की, मेयर ने भी हमसे ये कहा कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसके लिए यहाँ पर इक्विपमेंट्स हमारे तैयार है, जबकि जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है वो भी हमने यहाँ पर तैयार रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो डाउनटाउन में लेन्स बाय लेन्स है उसमें हम मैन पावर यूज़ करेंगे, अगरचि हमारे पास मैन पावर की कमी है, लेकिन कोई भी ऐसी जो सिचुएशन अगर बनती है हमारी मैन एंड मशीनरी बिल्कुल तैयार रहेगी। फिरदौस लाइव विद जनान वानी, JK News Today, श्रीनगर। We'll be right back.